नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हम मथुरा के गांव नंगला ग्यासी में हैं। आइए जायजा लेते हैं गांव का। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना पर। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस योजना के बारे में। ये कृषि विकास योजना जिसके अंतर्गत हमारी परंपरागत खेती किसान भाई यहाँ करते हैं, ये नंगला ग्यासी गांव में इस समय हम खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि आप इस समय बाजरा खड़ा हुआ है और कुछ किसान भाई खेत खाली हैं जिसमें सरसों के बोने की तैयारी में हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ किसान गोबर की खाद से, हरी खाद से, केंचुए की खाद और जो भी हमारा कूड़ा कटकर अवशेष बचता है फसलों का, उसको सड़ा कर, गला कर और उससे जो खाद तैयार करते हैं उससे खेती करते हैं। तो उससे जो किसान भाई हैं जो बताते हैं और हम लोग भी उनको बताते हैं कि इससे जो खाद्यान्न पैदा होता है वो अधिक पोषक होता है, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है और सबसे बड़ी फायदा इससे ये है कि जो हमारी ज़मीन है जिसकी भौतिक और रासायनिक संरचना खराब होती चली जा रही है, हमारे मित्र कीट खत्म हो रहे हैं, केंचुए खत्म हो रहे हैं, जमीन की जलधारण क्षमता खराब हो रही है, हमारा जो जमीन का जो पोषक तत्व है जो प्रमुख रूप से ऑर्गेनिक कार्बन जिसको हम खेत की ताकत कहते हैं वो खत्म हो रहा है। मथुरा में 8% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए और हमारे क्षेत्र में ऑर्गेनिक कार्बन 2% रह गया है। इसका मतलब है कि हमारी जमीन बहुत ही क्षारीय होती चली जा रही है, पानी का स्तर भी नीचे चला जा रहा है। तो किसान भाई यहाँ हम लोग इनको बता रहे हैं कि गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद इसको डालें और उससे खेती करें। उससे क्या होगा कि जो उस उत्पादन मिलेगा वो हेल्दी होगा, अच्छा होगा और हमारी जमीन बचेगी, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। सर, पहले की खेती में और अब की खेती में कितना बदलाव आया है? देखिए, पहले हमारे पास जो प्रजातियां थी बहुत पुरानी थी, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम थी, करीब 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल पर हेक्टर से ज़्यादा वैरायटी नहीं देती थी। जैसे मैं गेहूँ की बात करता हूँ, कल्याण सोना है, RR21 है, ये वैरायटी थी। लेकिन आज हमारे बीच में SG3086 है, 2967 है, आपका SDCSW18 है, ये सारी वैरायटियाँ आ गई जो 60 क्विंटल पैदावार देती हैं। तो पहले की खेती और अब की खेती में ये अंतर आया है कि हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां आ गई हैं और पहले किसान टोटली गोबर की खाद, हरी खाद, केंचुए की खाद डाल करके अवशेष को सड़ा गला कर खेती करते थे। अब किसान यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करते हैं, रासायनिक दवाओं का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और यह कहिए कि इंजेक्टिव फार्मिंग करते हैं। जितना रासायनिक दे सकते हैं वो दे रहे हैं और उससे खेती कर रहे हैं। उत्पादन तो बड़ा है लेकिन हमारी जमीन खराब हुई है। तो पहले की खेती में अब में ये अंतर है कि किसान रसायनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे जैविक खेती के बारे में। पहले मैं यहाँ पर जो है KBK विज्ञान और कृषि विभाग से हम जुड़े, जब से हमारे जो है कंपोस्ट खाद बनाना हमें स्टार्ट किया, कंपोस्ट खाद, बन खाद और ये क्यों कैसे बनाई जाती है, ये नेडब खाद से बनाते हैं और केचो ऑयल खाद बनाते हैं और हम एक बहुत सरल तरीका से जो खाद बनाते हैं, जो डाइकोड्रामा डालते हैं, जो हमारे KBK विज्ञान से बताया कि 50 लोग गोबरी खाद उसमें जो डाइकोड्रामा लाइए और मिलाकर कंपोस्ट खाद में और 7-8 दिन रख दीजिएगा और वो पूरे हो जाएगा एक साथ और उसको मिलाकर करीब 1 बीघे में काम आएगा और 1 बीघे पूरी जो उसका जीवांश पूरा करेगा। ये बहुत अच्छी पैदा करता था, मैं देखा इसको प्रयोग किया ढंग से और यही मैं करता हूँ। अब पहले की तरह जो यूरिया DAP डालना मैंने खत्म कर दिया, ऑर्गेनिक जैविक खाद कर रहा हूँ और जो मई और जून के महीने में जो जीवांश बढ़ाने के लिए हम जो ढैंचा बोते हैं, ढैंचा से जो एक दो महीने करीब होता है उसे जुटवाते हैं जिससे हमारी हरी खाद बनती है और उसमें जीवांश बढ़ता है और ताकत बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है, बहुत अच्छी पैदा होती है उससे। अब इसलिए हम पूरे गाँव नहीं, पूरे पंचायत में, जिले में ये कहना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक जैविक खाद दी करना चाहिए जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारी जो आदमी होती है स्वास्थ्य बदलाव पर कोई बीमारी होगी नहीं, न किसी भी बीमारी होगी। जितनी बीमारियाँ प्राप्त हो रही हैं वो जो रासायनिक खाद से पैदा हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर परंपरागत खेती पर आना पड़ा, परंपरागत खेती ही करनी चाहिए, परंपरागत खेती दौड़ रहे हैं और पैदाइश में कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी पैदा होती है जितनी हम फर्टिलाइजर रसायन डालते हैं। ये
हमारे बीच में और भी किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। जी अपना नाम बताइएगा। जी नाम मेरा महेश चंद्र नगर लगासी बोल रहा हूँ। जी जैविक खेती के बारे में बताइए। जैविक खेती के बारे में सब देसी खाद डालते हैं और केंचुए वगैरह का प्रयोग करते हैं और हरी खाद बनवाते हैं नैसा की, उसको जुतवाते हैं। तो जैविक खेती में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सर ये देसी खाद से जमीन बढ़ रही है, अच्छी पैदावार होती है उसे और अच्छी फसल होते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे जैविक खेती के बारे में। ये जैविक खेती की चर्चा हो रही है आज, तो ये जैविक खेती है क्या? जैविक खेती सर हरा खाद, गोबर खाद और सर और एक और चीज़ है, चार चीज़ मिला के खेती में बोते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अनाज बोते थे। तो जैविक खेती के फ़ायदे क्या हैं? इससे शरीर के अंदर नुकसान नहीं होता है और फायदा करती है, खून बढ़ाती है आदमी के अंदर और खेती को सुरक्षित रखती है, ये चीज़ है। हमारे बीच में और भी किसान हैं जिनसे हम पूछेंगे जैविक खेती के बारे में। आप में से कोई बताएगा जैविक खेती के बारे में? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम चंद्रपाल जी, नंगला ग्यासी से, जिला मथुरा है। जैविक खेती के बारे में हम खाद, हरी खाद, गोबर की खाद खेत में डालते हैं, उससे खेती उर्वरक होती है, पैदावार अच्छी होती है और इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती है। तो पहले की खेती में और अब की खेती में कितना बदलाव आया? बदलाव तो बहुत है साहब, बदलाव इतना है कि जब हम हरी खाद और गोबरी खाद डालते हैं तो पैदा उतनी ही होती है, जो उससे रसायन भी रसायन खाद डालते हैं पैदा उसकी बराबरी होती है, परंतु रसायन में और इसमें अंतर है कि उससे बीमारी पैदा होती है, इससे बीमारी नहीं होती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 में किसानों की आय दोगुनी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी का सपना बिल्कुल सत्य है, वो सही कह रहे हैं कि जैविक खेती करनी चाहिए, इससे बीमारी नहीं होती है। धन्यवाद। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के विशेषज्ञ मौजूद हैं, अब उनसे हम जानेंगे। सर अगर हम बात करें इस गांव की जैविक खेती को लेकर, इस गांव में कितना बदलाव आया? जैविक खेती पहले यहां के सभी किसान करते थे, क्योंकि उस समय सिंचाई बहुत कम थी, सिंचाई के साधन कम थे और किसानों के पास जो जमीन थी वो भी बहुत कम उपजाऊ थी, क्योंकि जब पानी ही नहीं था तो ज़मीन उपजाऊ नहीं थी। अब जैसे जैसे किसानों में जागरूकता बढ़ी है, इनके पास पशुओं की संख्या बढ़ी है और सिंचाई के साधन विकसित हुए, इससे इन लोगों ने गोबर खाद डालना शुरू किया, हरी खाद डालना शुरू किया, केंचुए खाद डाली और भी तमाम तरह के जो सरकारी सुविधाएँ मिलती रहती उनका ये सब लोग प्रयोग कर रहे हैं और हर हालत में उसमें पीरियड में इस पीरियड में इतना अंतर आया कि अब ये खुशहाल हैं, सम्पन्न हैं और इनकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ रही है। धन्यवाद। हमारे बीच में महिला किसान भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि जैविक खेती को लेकर वो कितनी जागरूक हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजू जी। जैविक खेती क्या है आप मुझे बताइए? जैविक खेती
जैविक खेती उसे कहते हैं, जैसे कि हम गोबर की खाद डाल के तैयार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम गोबर का ही प्रयोग करते हैं फसलों में, इससे अच्छी फसलें पैदा होती हैं। और पहले की खेती में और अब की खेती में कितना बदलाव आया है? पहले की खेती में और अब की खेती में बहुत अंतर है, बहुत बदलाव आया है, इससे हमको बहुत बहुत कुछ जानने के लिए मिला है और इससे हम अच्छी फसलें तैयार करते हैं। हमारे बीच में युवा किसान हैं, उनसे जानेंगे जैविक खेती को लेकर कितने जागरूक हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतेश है सर, मैं नगला ग्यासी से हूँ। कि जैविक खेती जो होती है वो हमारी जैसे कि भैंस जो गोबर करती हैं और उसमें जो केंचुए पड़ते हैं और जो हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं गड्ढा खोद के उनको एक जगह एकत्रित करके सड़ा के बना के बसा के उससे जो खेती होती है वो होती है जैविक खेती। अगर उस खेती का हम यूज़ करते रहें तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। मैं लेकिन होगा रहा है, सरकार मजबूर हो चुकी है कि जनसंख्या बढ़ रही है और वो क्या कर रही है, केमिकल बनाना स्टार्ट कर रही है। पहले एक बीघा में 20 मन बस मानो बीघा अन्न होता था, आज उसमें 40 मन उग रहा है। तो इसका सीधा सा कारण है कि उसमें 50% केमिकल मौजूद है और उसको जैसे नाइट्रोजन में बढ़ाना है तो हम उसमें यूरिया देते हैं। और जैविक खेती में अगर जैविक खेती ढंग से करेंगे तो हम सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये डाटा रखता है पूरे विश्व का जिसमें सारी कंट्रियों का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बीमार लोग और जो भी देख रहे हैं जो कि कृषि से, हमारा कृषि में 70% हमारी खेती रहती है और हमारी जो इंसान है ना कृषि पर डिपेंड है। ये जैविक खेती की चर्चा चल रही है आज, उसके बारे में बताइए आप। सर जैविक खेती है जो गोबर से बनती है, केंचुए की केंचुए से बनती है, गौमूत्र है, गाय का गोबर है, इन सर हम जैविक खेती करते हैं। सड़ा गला जो बचता है खेती का सामान उसको गला करके हम खेती करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा अनाज होता है वो हेल्दी होता है, उसे हमें खाने से हेल्थ अच्छी रहती है। और जैसे तमाम ऐसी बीमारियाँ जो हमें केमिकल से होती हैं और आजकल फसलों में बहुत ज़्यादा केमिकल मिला करके और हमारे शरीर को नुकसान दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जैविक खेती के फायदे क्या हैं? सर फायदे यही हैं कि हम स्वस्थ रहते हैं और जो तमाम बीमारियां हैं वो दूर हो रहती हैं और हम स्ट्रांग रहते हैं। और खेत और जैसे आज हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, क्या आपने इनसे सलाह ली जैविक खेती के बारे में? सर हम इनसे सलाह लेते रहते हैं, उन्होंने बताया था कि जैविक खेती करनी चाहिए जिससे कि आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी और जो आपका खर्चा है DAP यूरिया है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उससे भी हमें राहत मिलती है और जिससे कि किसान अपनी आय को दोगुना भी कर सकता है। अगर यूरिया का इकट्ठा देंगे तो लगभग 400-500 रुपये, DAP का 800-1200 रुपये का इकट्ठा आ रहा है, तो उससे भी किसान को राहत मिलती है। तो बहुत किसान आय दोगुना भी कर सकता है, जो प्रधानमंत्री का सपना है 2022 तक किसान आय को दोगुना कर सकते हैं। तो इस जैविक खेती को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य को देखते हुए भी। और जो ज़मीन है आज हमारी बहुत तरीके से केमिकलों से बेकार होती जा रही है और बीमार होती जा रही है, उसके लिए ही बहुत ज़रूरी है और देश के लिए ही बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे जैविक खेती के बारे में। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शशिकांत सर। जी जैविक खेती की आज चर्चा चल रही है, इसके बारे में बताइए जैविक खेती है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं? जैविक खेती वो है कि खाद बीज जो भी है हम तो खेतों में बोते हैं, तो सड़ा गला जो भी गोबर होता है या कोई घास है कोई भी चीज़ होती है तो सड़ा गला के उसको हम खेतों में देते हैं, तो उससे हमारे जो भी बीज बोते हैं जो भी है बाजरा गेहूँ है जो भी बोते हैं तो उससे मजबूत होता है, वो मजबूत उत्पत्ति से पैदा होता है, तो मजबूती उसमें होगी। जब पेड़ पौधा मजबूत होगा तो उसमें भी हमें भी जान अच्छी आएगी। जब पेड़ पौधा ही नष्ट हो जाएगा ढंग से उपजेगा नहीं तो हमें भी ना जान ढंग से नहीं आ पाएगी। तो जो खाद बीज चल रहे हैं जो भी है यूरिया नाइट्रोजन होती है इसमें, तो ये सरकार से चला रही है इनसे जो मतलब ढंग से नहीं उस पाता है वो बीज है, जो हम जो खाद बीज है और जो ढंग से बोते हैं वो ढंग से नहीं हो पाता है। और जो सला गला होता है गोबर है और भी कुछ है ढेंचा है वो बो दिया हमने और जोत दिया तो उनसे मजबूत होता है, वो पेड़ पौधे मजबूत हैं उनसे भी ज़्यादा ही वो उपजाऊ और मिट्टी होती है और अच्छा होता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। ये आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बसंत कुमार है। ये जैविक खेती के फ़ायदे क्या हैं? सर जैविक खेती के फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि हम खेत में सर जैसे कि हमारा ढेंचा बोते हैं सर, जो ढेंचा सर मतलब बड़ा हो जाता है जिसके कमर तक, तो उसको जोत देते हैं सर, वो मतलब जैविक खाद का काम करता है, उससे हमारी जो खेत की मिट्टी है वो अच्छी बनी रहती है और फसल भी अच्छी होती है। जैसे कि हम उस फसल को खाते हैं तो हमारा भी मतलब शरीर है जो स्वस्थ रहता है। क्या आपने जैविक खेती कर रहे हैं आप? यस सर। तो क्या कर रहे हैं आप जैविक खेती में? सर जैसे कि वही करते हैं ढेंचा करते हैं, ढेंचा करने के बाद जो जैसे कि 2-2.5 फुट का हो जाता है उसको जोत देते हैं सर, वो मतलब जैविक खाद में आता है, उससे सर फसल अच्छी होती है। हमारे बीच में युवा किसान है, उनसे जानेंगे कि वो जैविक खेती कर रहे हैं और उसका लाभ क्या है। जैविक खेती सर यह है कि हम खाद
खाद डालते हैं खेतों में, जमीन में खाद डालते हैं और ढैंसा बोते हैं। ढैंसा एक 3-4 फुट का हुआ, उसे जोत दिया, उससे जैविक खेती उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं बचती है। जैविक खेती उसके अच्छी होती है और हमारे शरीर के लिए मसल जो है अच्छे लाभदायक होती है। अब वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हुँ? अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचू कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में युवा किसान है, उनसे जानेंगे कि उनका कोई सवाल। सर मेरा एक ही सवाल है कि जो भी मतलब जो जमीन है हमें वो ऑर्गेनिक बनानी है, तुम किस तरह से ऑर्गेनिक बना बिना केमिकल का यूज करे? हमें जो 40 मन का जैसे कि गल्ला उठाते हैं खेती से, तो मतलब किस तरह से उठाएं उसके बारे में हमें आपको बताएं, बिना विदाउट केमिकल के, जैसे कि हमें यूरिया ना देना पड़े, जैविक खेती से हम 40 मन का गल्ला उठा सकें जिससे कि हमारी स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ रहे। तो सर आप कुछ हमें बताइए इस चीज़ के बारे में, क्या क्या करेंगे? हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो हमारे युवा किसान ने सवाल किया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हमारे जो युवा किसान हैं इस गांव के बड़ा जागरूक हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, चूँकि पहले हमारा पूरा ये गांव जैविक खेती करता था जब रसायन नहीं थे, लेकिन चूँकि वक्त की मांग थी उन्होंने रसायन प्रयोग किए और अब ये धीरे धीरे परंपरागत खेती पे आ रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है हमारे जो किसान भाई हैं जितना भी पशु रख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है गाय रखे और पशु रखे, और इनकी जो गोबर होता है उसको इकट्ठा करें एक गड्ढे में जिसको कंपोस्ट पिट कहते हैं, हमारे कृषि विभाग से ये बनवाए जा रहे हैं, आप उनको भरें और भरने के बाद उसमें पानी डाल करके घास डाल के दबा दें और उससे कंपोस्ट तैयार करें, एक कंपोस्ट के द्वारा। दूसरा है हमारी सनई है, ढेंचा है, इसको 45 दिन की जब फसल हो जाए उस समय इसको खेत में पलट दें और पानी भर के सड़ा दें। इसके अलावा हमारे यहाँ मूंग है, मूंग किसान भाई गांव में बहुत करते हैं, मूंग की तुलाई कर लें और तुलाई के बाद मूंग की फसल को जोत दें, उससे हरी खाद करें, केंचुए की खाद है, हमारी मछली की खाद है, हड्डी की खाद है। इसके अलावा जो हमारा गौमूत्र है, जीवामृत वगैरह है, ट्राइकोडर्मा है, इन सबको हम प्रयोग करते हैं तो हम जैविक खेती कर सकते हैं, और ये साबित हो चुका है कि जब हम लगातार जैविक खेती करते हैं तो हमारे उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन कम नहीं होता और उत्पादन बढ़ता है, जमीन की हमारी रासायनिक संरचना बदलती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, जमीन हमारी अच्छी बनती है, ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। तो इस तरह जो मैंने आपको बताया इनको आप प्रयोग करें, जमीन को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, मनुष्य को बचाएं, जीव को बचाएं और
जैविक खेती करें। हमारे बीच में महिला किसान है जिन्होंने हाथ उठाया है सवाल के लिए। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है पूनम जी। मैं नगला ग्यासी से हूँ जी। सवाल करें, गोबर खाद कितने दिन में पैदा होता, कितने दिन में तैयार होता है सड़का, और यानी कि ढेंचा है इन्हें हम पलटते हैं तो ये कितने दिन में सड़कर तैयार होता है? जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वो गोबर की खाद है वो कितने दिन में सड़कर तैयार होती है, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। ये जो अभी प्रश्न किया है बेटी ने, हमारी युवा किसान हैं, इस गांव की जागरूक हैं, इनका प्रश्न आया था कि गोबर की खाद कितने दिन में सड़ती है, हरी खाद कितने दिन में सड़ती है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए आप लोग जो गांव में गोबर डाल रहे हैं सड़क के किनारे, इस ये खाद नहीं है, क्योंकि खाद तब तक नहीं बनेगा जब तक वो सड़ेगी नहीं। उसके सड़ने के लिए आवश्यक है कि आप उसको दबा दें, दबाने के लिए है कि आप खाद डालते रहें, जब आपका गड्ढा भर जाए तो उसमें थोड़ा पानी डालें, पानी डालने में घास लगा दें, घास के बाद उस पर लेप कर दें जिससे ऊपर की जो गर्मी है वो नीचे नहीं जाए। तो इस तरह आप देखेंगे कि 4-5 महीने में आपका गोबर सड़ जाएगा, अन्यथा वो 6 महीने लेगा। तो इस तरह आप सड़ा देंगे और सड़ाने के बाद जो तैयार होगी उसमें करीब करीब 10.5% जो है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, सल्फर है, बोरोन है, जितने तत्व तुम्हारी जमीन को 16 तत्व चाहिए गोबर की खाद में करीब करीब वो सब प्राप्त होते हैं। तो इस तरह ये गोबर की खाद में पाया जाता है। इसके अलावा हरी खाद है, जैसे एक ढेंचा की खाद यहाँ ज़्यादा तैयार करते हैं, सनई करते हैं और मूंग की करते हैं। तो जैसे ही आप खाद पलटते 45 दिन की गोबर की खाद को तो पानी भरते हैं तो ये खाद हमारी 1 महीने में सड़ जाती है और सड़ने के बाद ये खेत को जो हमारे जो फसल बोई थी उसमें काम शुरू करती है। ये जितनी उतनी जल्दी सड़ती है जितनी जल्दी खेत आपका नम रहता है, गीला रहता है। और इसमें भी जो भी जितने पोषक तत्व हैं मैंने अभी आपको बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, ये सभी हरी खाद में पाए जाते हैं। और इसमें अंतर क्या है हरी खाद और ये हमारी रासायनिक जितनी भी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या डीएपी के रूप में हम देते हैं, पोटास के रूप में देते हैं, इनमें विशेष रूप से तत्व पाया जाता है। लेकिन जो अभी आप बेटी ने पूछा है इसमें गोबर की खाद और हरी खाद है, इसमें सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को जरूरत है, हमारी जमीन को जरूरत है। और इस तरह अगर हम तैयार करते हैं तो हमारी एक अच्छी फसल होती है, जमीन स्वस्थ रहती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। मैं यूरिया और डीएपी से खेती करता हूँ, मुझे जैविक खेती करना चाहता हूँ, कैसे शुरू करनी है? जैसे कि किसान भाई ने अभी कहा है कि वो यूरिया और डीएपी से खेती कर रहे हैं और वो जैविक खेती करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। देखिए ये हमारे किसान अभी जो बताया है इन्होंने कि वो रसायनों के द्वारा खेती करते हैं जिसमें डीएपी यूरिया, ये सच है कि ये यूरिया और डीएपी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो एक्सिस का रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप धीरे धीरे पहले 10% कम करें, 25% कम करें, 50% कम करें। तो जब ये धीरे धीरे रसायनों को कम करेंगे तो आपका उत्पादन भी नहीं गिरेगा और इसकी जगह पे आप गोबर की खाद, हरी खाद, केचुए की खाद, टैकोडर्मा, इनको आप प्रयोग करें तो आप धीरे धीरे जैविक खेती पर आ जाएंगे। शुरू शुरू में हमारा मतलब फसल तैयार करेंगे तो वो बहुत ही कम होगी और हम अगर मतलब जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो मतलब बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि उस फसल को मतलब कौन सी मार्केटिंग में ले जाएं कि उससे दाम अच्छे मिले हमको। जैसे कि किसान भाई का सवाल है कि वो फसल तो उगा रहे हैं, अब उनका जैविक खेती से फसल जो हो रही है वो कम हो रही है और उसका मार्केट जो है वो कहाँ पर होगी और कितना वो फायदा ले सकते हैं मार्केट से। जी सर बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर वो जैव उत्पाद तैयार करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। फरीदाबाद में बहुत सारे मॉल हैं और दिल्ली में हैं, उनसे कॉन्टैक्ट होने के बाद ये अपना उत्पाद उनको सप्लाई करेंगे और जो नॉर्मल सब्जी जैसे पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, उससे करीब दूना रेट मिलता है हमारा जैव उत्पाद से। तो वहाँ मार्केट है, आप तैयार करें और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आपको इस काम में मदद करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप करें और इसके अच्छे दाम लें।
आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहे दूरदर्शन किसान। नमस्कार।